नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह सर, वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपका स्वागत। कोरोना से परेशान गरीब असहायों के लिए जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कई संगठनों ने गरीबों और असहायों के बीच कच्चे अनाज का वितरण करने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में स्वर्णकार संघ द्वारा कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में, कई जगहों पर गरीबों के बीच कच्चे अनाज का वितरण किया गया। फुलवारी शरीफ के टहल टोला, महुआबाग, उफरपुरा सहित लगभग 200 गरीबों के घरों में कच्चे अनाज पहुँचाए गए। आइए देखते हैं राजधानी पटना से ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हुए हैं, लॉकडाउन को लेकर अपने अपने घरों में कैद हैं, वहीं फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के कर्मियों द्वारा साफ सफाई करने का आज उन्हें पुरस्कार दिया गया। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में सामाजिक संगठन द्वारा नगर परिषद के सफाई कर्मियों को फूल माला पहनाकर और उन्हें कच्चा राशन देकर सम्मानित किया गया। पेठिया बाजार के स्वर्णकार संघ द्वारा मंगलवार को नगर परिषद के सफाई कर्मियों को फूल माला पहनाकर और कच्चा संदेश पर उन्हें उनके हौसले को और जज्बात को स्वर्णकार संघ ने सलाम किया और उन्हें सम्मानित किया। संघ के अध्यक्ष सुभाष नारायण गुप्ता ने बताया कि जहां लोग कोरोना से परेशान हैं और एक दूसरे से बीमारी से डर को लेकर नजदीक नहीं आ रहे हैं, वहीं नगर परिषद द्वारा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोग तो घरों में लॉकडाउन में घर में सुरक्षित रह रहे हैं, लेकिन उन लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। लॉकडाउन रहते हुए भी रोड पे सर सफाई का काफी बढ़िया से देखभाल करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने उनको सम्मानित करने का आज कार्य किया। नगर परिषद के सफाई कर्मी बिना कोई संकोच के नगर की सफाई में जुड़े हुए हैं, इसके लिए वे सम्मान के पात्र हैं और स्वर्णकार संघ ने उन्हें इसी सम्मान के लिए सम्मानित किया है और उनके एवं उनके परिवार के बच्चों के लिए कच्चा राशन भी उपलब्ध कराया है। स्वर्णकार संघ द्वारा आसपास के कई इलाकों में भूखे गरीबों और असहाय लोगों के बीच कच्चा अनाज का वितरण किया गया। फुलवारी शरीफ के महुआ बाग, उपरापुरा, टहल टोला बस्तियों में अनाज वितरण किया गया। इससे पहले स्वर्णकार संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि गरीबों के बीच कच्चे अनाज का वितरण करना है, इसके लिए स्थानीय प्रशासन से भी अनुमति ली गई। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष सुभाष नारायण ने बताया कि कोरोना संक्रमण से पूरा देश प्रभावित है। आप देखेंगे हम लोग पूरा हमारा पदाधिकारी हम लोग मास्क लगाए हुए हैं, दस्ताना पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हुए जो सामान हम लोग राहत सामग्री का पैक भी कर रहे हैं, पूरी स्वच्छ से मतलब सुरक्षा से के हेतु देखते हुए हम लोगों ने पैक किया। और बिहार में भी इसकी स्थिति देखी जा सकती है। लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरों की हालत खस्ता हो गई और लोग काम के अभाव में कई मोहल्लों में दाने दाने को मोहताज हैं। इसको ध्यान में रखते हुए स्वर्णकार संघ ने यह निर्णय लिया कि गरीबों के बीच अनाज वितरण करना है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों की मदद से सोमवार को लगभग 200 कच्चे अनाज का पैकेट, जिसमें आटा, चावल, आलू, प्याज, तेल, मसाला के अलावा बिस्किट की भी व्यवस्था की गई है। उपाध्यक्ष बद्री नारायण ने बताया कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती है तब तक गरीबों के बीच संघ द्वारा समय समय पर इस तरह का अनाज वितरण किया जाता रहेगा। संघ के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने बताया कि इस वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस ई और मास्क सभी कार्यकर्ताओं को लगाना अनिवार्य किया गया है और जो लोग इस वितरण में हिस्सा ले रहे हैं वह सभी इसका पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। धनंजय कुमार, वार्ड तो हम लोग में हर्ष है कि संकार संघ द्वारा काफी सम्मानित किया गया है। ऐसा हमेशा कार्य होते रहना चाहिए ताकि हम लोग और चढ़ बढ़ कर पूरा गंदा बीमारी के हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग कार्य करा रहे हैं, उसी में घर के बाहर उसमें हम लोग
अहल टोला की एक महिला तारा देवी ने बताया कि उनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है और काम के अभाव में वे पूरी तरह बेरोजगार हो गई हैं। सरकार की योजनाओं को लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे दाने दाने को मोहताज हैं। स्वर्णकार संघ के मिले अनाज से वे अपना और अपने बच्चों का कुछ दिन का भरण पोषण कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए संघ को धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर स्वर्णकार संघ के प्रकाश नारायण, बद्री नारायण, राजू कुमार, धनंजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, उत्तम कुमार सहित संघ के दर्जनों थे। तो देखा आपने, जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर नजर नहीं आ रही है, वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा आगे आकर लोगों के बीच, गरीबों के बीच, असहायों के बीच इस तरह का वितरण, इस तरह का सामाजिक काम किया जा रहा है। व्यस्त व्यापार न्यूज चैनल के लिए पटना से ज्ञान सिंह। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वैष्णवान न्यूज, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।